आपने 40,000 रुपए का कर्जा नौजवानों को दे के बार बार मुद्रा 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 करते हैं। आपने कितनी मुद्राएं देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी है उसको सुनना चाहेंगे क्या? रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंको ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 45,000 करोड़ का कर्जा, बीजीपी के ग्रुप पर 33,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। ये सरकार ये कहती है, माननीय मोदी जी की सरकार कहती है 10,000-9,000 का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा लंदन। ये काम ये करना चाहते हैं मान्यवर। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपने पैरों से वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का। आप इस चमन की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं, आप इस चमन की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। इस गरीब आदमी के, इस मुल्क के गरीब के दर्द को समझने का कोशिश कीजिए। ये लोहिया का देश है, ये गांधी का देश है, ये जेपी का देश है। डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लोहिया का नारा था, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और झारखंड के अंदर कोयला देवी की 11 साल की बच्ची संतोषी भात भात कह के मर जाती है, आज भी इंसान भूख से मर रहा है 70 साल के बाद। और आपकी सरकार को, ये राष्ट्रीय शर्म की सरकार है जिसको शर्म नहीं आती, भूख से गरीबी से लोग देश के अंदर मर रहे हैं और आप यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक चुना हुआ इनका विधायक कहता है ताजमहल इसलिए तोड़ देना चाहिए क्योंकि उसको मुगलों ने बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ कुतुब मीनार भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया, देश की पार्लियामेंट भी तोड़ डालो, देश का राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, बीटी रोड भी तोड़ डालो, हिंदुस्तान को बनाना है। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और ये बात कोई संजय सिंह नहीं कह रहे, ये बात इस सदन का कोई सदस्य नहीं कह रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने बाहर आकर, पहली बार आजादी के बाद ये घटना हुई है कि 4 न्यायाधीशों ने कहा हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। माननीय आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर जिस प्रकार से एक के बाद दूसरा हमला हो रहा है, ये लोकतंत्र हमको आसानी से हासिल नहीं हुआ है माननीय, ये आजादी हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ, ये संविधान हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ। इस संविधान को, इस देश की आजादी को पाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्ला ने, राजेंद्र लहड़ी ने, खुदीराम बोस ने, और जब इस देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उनके त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ है, किसी फर्जी राष्ट्रवादी के त्याग और बलिदान से देश आजाद नहीं हुआ है मान्यवर। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है मान्यवर, ये वो देश है जहां पर बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है मान्यवर, ये वो देश है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं मान्यवर, ये वो देश है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू। इस देश के अगर नफरत की बात की जाएगी, भाई से भाई को बांटने की बात की जाएगी, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की बात की जाएगी, अगर आप पिछड़ा और दलित सवर्ण की बात की जाएगी, मुझे बहुत अफसोस है कि इस देश के लोकतंत्र को आज जिस प्रकार से कुचलने की कोशिश की जा रही है। एक निर्वाचित सरकार है दिल्ली के अंदर, उस निर्वाचित सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल है, क्या गुनाह है उस केजरीवाल की सरकार का? यह गुनाह है कि वो बिजली आधे दाम पे देती है, यह गुनाह है कि पानी मुफ्त देती है, यह गुनाह है कि हमने किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया, यह गुनाह है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, क्या हमारा यह गुनाह है माधवर की शिक्षा के स्तर को हिंदुस्तान में हमने सबसे बेहतर बनाने का काम किया? हमारा गुनाह क्या है, हमारा अपराध क्या है कि हम एक चुनी हुई सरकार को अच्छे ढंग से संचालित करना चाहते हैं, केजरीवाल की सरकार को लाट साहब के डंडे से आप चलाना चाहते हैं, लाट साहब के डंडे को
बंगाल से दिल्ली तक आप चला रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। इसको बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। उत्तराखंड में आज निर्वाचित सरकार को आपने बर्खास्त कर दिया, गोवा के अंदर आपने तिक्रम से सरकार बना दी, आपने मणिपुर में तिक्रम से सरकार बना दी, और आप उसको अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। मान कहना चाहता हूं, इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र जनता के साथ आपका करार होता है। देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में बड़े बड़े वादे किए थे, वो आपका इस देश की जनता के साथ करार है। उस वादे को आपको पूरा करना चाहिए। आपने कहा था इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। 15 रुपए भी आज तक किसी आदमी के खाते में नहीं पहुंचा। आज 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 आपने चुनाव में कहा मैं उम्मीद करता था कि अध्यक्ष जी यहां रहेंगे। मैं चुनाव में कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार का वादा आपने पूरा नहीं किया। 84% रोजगार आपके कार्यकाल में घटा है। आपने किसानों से कहा कर्जा माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में कहा हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, आपने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ क्रूर मजाक करने का काम किया है। 1 पैसे का कर्जा माफ किया, 2 रुपए का कर्जा माफ किया, 3 रुपए का कर्जा माफ किया। उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ एक क्रूर मजाक करने का काम आपकी सरकार ने किया। और व्यापारियों की बात अगर हम करें, जिस व्यापारी ने आपको अपने कंधे पर उठाकर देश की सरकार बना दी, जिस व्यापारी ने आपको इतना लाइन में लगकर वोट दिया, आपकी क्या दुश्मनी है देश के व्यापारियों से, जरा हमको बताइए। पहले नोटबंदी लाते हैं, फिर GST लाते हैं, फिर रिटेल में 100% FDI लेके आते हैं। अब जब बची खुची उनकी दुकान है उसको सीलिंग करके पूरे दिल्ली में उजाड़ने का काम करते हैं। 7 लाख व्यापारियों को आपने बर्बाद किया। तो आपने किसानों को धोखा दिया, आपने नौजवानों को धोखा दिया, आपने व्यापारियों को धोखा दिया, आपने इस देश के आम आदमी को धोखा दिया। और आप कहते हैं कि आप इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, आप इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को इस सरकार ने एक के बाद दूसरी जिस तरह से उत्पीड़न करने का काम किया है, मान्यवर, हमारे 15 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और विधायकों को तो जेल में डालना दूर की बात है, हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के 40 जवान पहुंचे थे। 40 जवान, ये है आपकी सरकार। इस प्रकार से आप विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनका गला घोटने के, उनके लोकतंत्र की हत्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर CBI का छापा डलवा दिया, आपने शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर छापा डलवा दिया, आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री के घर पर छापा डलवा दिया। आप दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते। हमारे 20 विधायकों की आपने सदस्यता रद्द करवा दी, संसदीय सचिव बनाने के नाम पर वही संसदीय सचिव हरियाणा में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव हिमाचल में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव पंजाब में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव आसाम में, मिजोरम में सदस्यता रद्द नहीं होती, लेकिन दिल्ली में 20 विधायकों की आपने सदस्यता रद्द करके लोकतंत्र की हत्या की है। चुनाव आयोग ने एक एक ज्योति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं। आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये ऊंची आवाज से आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद। यह इस देश को तोड़ना